हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ब्लॉग जो है वो हमारे लिए ही नहीं, आप सबके लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हमारा मैं जितना लड्डू के लिए मतलब उतना वो नहीं होता है, उससे ज़्यादा मुझे अपनी छोटकी के लिए होता है। क्योंकि उस वक्त उस रात में जितना हम लोग दौड़े थे और बहुत ही ज़्यादा सुकून आया जब उसको उल्टा लिटा के जब डॉक्टर साफ करने के बाद उसको जब पीठ पे से थपथपाए तो रोना शुरू हुआ। तो उसके बाद से हम लोगों को ये सब बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे लड्डू का फोटो है सब लोगों का, और पीछे जो है खाली है, मेरा नहीं है, बस मेरा है वहाँ पे। और अभी आप लोगों को मैं बता दूँ कि हमारी जो छोटी सी परी है वो जाने वाली है अपने घर पे, और इसको सुन के मम्मी पापा जी सब लोग एकदम मतलब इमोशनल हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, और सबको लग रहा है कि मतलब क्या करना चाहिए। तो मम्मी जो है कल से मतलब बहुत सारा काम भी किए हैं उसके लिए, और सुबह से मम्मी उसको छोड़ नहीं रही हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, जीभ जब निकाल लेती है तो और ज़्यादा इमोशनल, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है एकदम। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह 5 बज रहा है, 5:30, उठा मालिश कर दे, मालिश कर दे, अब उठो 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 उठो, उठ जा उठ जा उठ जा, और उठो 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 लाडू लाडू, उठ जा उठ जा उठो, गुड मॉर्निंग गाइस। अब लाडू चली जाएगी गाइस, तो इसको क्या होगा अब? लाडू को कौन देखेगा जी? इसके मम्मी देखेगी अब लाडू। मम्मी शनि मनी, ओए शनि मनी, अभी नींद में आ गए। उठ जा उठ जा उठ जा, उठ जा उठ जा, बोलो गुड मॉर्निंग, जय कृष्ण जय राधे 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 राधे। आज का शुरुआत आप लोग को मेरी लाडू से हुई है, और आज बृहस्पति है, तो बहुत जल्द एक दो दिन में ही ये लोग चले जाएंगे यहाँ से। तो अभी तो हम नहीं चाह रहे थे कि ये जाए, हम सोच रहे थे कि शादी बाद ही जाए, तो उसका मन और उन लोगों का फैमिली का मन, जब जिसको जाना है तो कोई रोक नहीं सकता है, चाहे बेटा बहू हो, चाहे बेटी दामाद हो, चाहे कोई हो, जिसका हमारे घर में ऐसा बंदिश कुछ नहीं है, जब तक जिसको मन करे यहाँ रह सकता है, हम उसके लिए खुश हैं। और जब जाते हैं लोग तो भी खुश हैं कि अपना घर परिवार देखना भी ज़रूरी है। तो लड्डू छोटे थे तो स्कूल वगैरह नहीं था उनका, तो अब उनका भी स्कूल जाएगा लो तो एडमिशन वगैरह देखेगा लो, हो जाएगा तो करा लेगा लो, उसके बाद इनका भी गृह प्रवेश है। तो लगभग धीरे 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 समय के हिसाब से सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है हमारा जिम्मेवारी, और समय से सब कुछ हमने कर दिया है। बेटा बेटी को बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह, अब धीरे धीरे इन लोग को बच्चों को संभालना, और बच्चे जब थोड़ा सा इन लोग का उस लायक हो जाए तो ये लोग भी अपने बच्चे को संभाले। यही दुनिया में चलते आ रहा है सदियों से परंपरा, माँ बाप छोड़ता है तो बेटा बेटी उठाता है, बेटा बेटी छोड़ेगा तो उसका बेटा बेटी उठाएगा, तो ऐसा ही एक कड़ी जुड़ा है और चलते रहेगा। इस बीच में बहुत सारा उतार चढ़ाव आया, कोई कुछ बोला, कोई कुछ कहा, कोई कुछ सुना, कोई कुछ सुनाया, कोई बोलता था कि मायके में क्यों पड़ी है,
कोई बोलता था कि इसका ससुराल वाला नहीं बोलता है, तो इसके साथ मजबूरी था इसलिए मेरे पास थी। और आप लोग से बहुत बार भी हम बताए हैं कि इसके ससुराल में सास नहीं है और जेठानी है, तो उनको 4 बच्चे हैं, तो नहीं हो पाता। अब मेरे घर में कोई है ही नहीं, बहू भी है तो नहीं रहती है यहाँ पे, और उनके बच्चे नहीं हैं। बच्चे रहते तो थोड़ा सा इनको भी दिक्कत होती, 2-3 बच्चे एक में लड़ाई झगड़ा करते, तो ऐसा कुछ था नहीं। इसलिए हमारे भी पास एक आदमी का होना ज़रूरी है, तो हम सोचते थे कि चलो कुछ नहीं तो शादी तक ये रुक जाए। शादी तक रुके रहती तो हम भी थोड़े दिनों के बाद शॉपिंग वगैरह चाहे कुछ भी जा के अपना करते उड़ते। तो चलिए कोई बात नहीं है, भगवान का जो मर्जी होगा वो होगा। लेकिन अब खुद हम आप लोग से शुरू से ही ये बात हम बताते भी हैं कि अपने आप पर भरोसा रखना और अपने आप पर विश्वास रखिए कि सब काम हो जाएगा। और शादी ब्याह भी है तो हम सब शॉपिंग वगैरह सब कुछ हम आराम से कर लेंगे। जो भी घर का मैनेज करना है हम कर लेंगे, उतने लायक हम हैं। और ये लोग अपना अपना घर संभालें, बेटी हो या बेटा बहू हो, सब लोग अपने अपने घर को देखो। बेटा बहू भी अपना बना लिया और बेटी का भी घर खरीदा गया, तो ये लोग भी अपना अब अपना घर परिवार बसाए, वो भी बसाए। और हम लोग को क्या, हम लोग शादी ब्याह कर लें, हम लोग भी फ्री हो जाएंगे, यहाँ पर भी कोई रह जाएगा। तो जिसके हम मन करे कभी बेंगलोर गए, कभी अंबाला गए, कभी यहाँ हैं, तो आगे का यही मेरा ये है कभी गांव पे जाके रहेंगे। तो अब जैसे भी कट जाएगा, और अपने हाथ पे बल रखना है, भरोसा रखना है कि इनके पापा हैं और हम हैं, तो कोई करे या ना करे लेकिन इनको मरते दम तक हमको करना है। और इनको कमा के, ये कमा के हमको खिलाएंगे, तो यही ना है जी सत्य है और क्या। तो हम लोग दोनों जन एक साथ हंसते खेलते इसी तरह कट जाए, बस यही सबसे बड़ी बात है। और समय पे सब लोग एक साथ हो, एक साथ मिलजुल के रहें और खूब प्यार करें, और अच्छे से सब लोग एक दूसरे से मिल के जाए भी। तो यही मेरा शुभकामना है लाडो को, और लाडो मेरी जा रही है तो सही सलामत रहे, जिस तरह मेरे घर से जाए वैसे भगवान इसको रखे और इसका खूब लंबा उम्र दे, और फिर हंसते खेलते मामा के शादी में आए। यही चाहिए शुभकामना। और आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि मेरे लाडो को कुछ ना हो और खूब खुशहाल रहे लाडो। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मम्मी देख सकते हैं आप लोग, सुबह से इतना सारा काम भी कर रही थी तो इतना सारा चीज बोल रही थी। तो मम्मी अब आपकी आंखों की आग की तारा जा रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है, अभी कुछ दिन रुकती ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अभी नहीं जाना दे सबको, इसलिए कि तो कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत बेकार लग रहा है, इसलिए कि 2 बच्चा था सब, तो एक तो लड्डू पूरा दिन भर शैतानी करता है, और ये अब आ गई थी तो थोड़ा सा इससे खेलते थे लोग तो अच्छा लगता था। लेकिन अब जिसका परिवार है भाई, जाना है तो जाए, अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरे का परिवार है ये लड़नी। तो आप बताइए अब घर में फिर से हम लोग, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कि अब आजकल तो नाती नतनी का तो छोड़िए, पोता पोती भी साथ में नहीं रहेगा। और पापा क्या बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि एक दिन आएगा कि वो फोन करने पे भी नहीं आएगा सब, और बोलेगा सब कि नहीं हमको काम है। हाँ, याद है क्या हाँ, बोल रहे थे? तो सही बात है, जो बाहर रह जाता है अपने काम में रह जाएगा, वो तो पहले अपना काम देखेगा, उसके बाद भी कोई चीज होता है। लेकिन अब जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन लोग को भी खेलने के लिए, बात करने के लिए नाती पोता चाहिए, और इन लोग के साथ समय कट जाता है, पता नहीं चलता है। तो आप बोलने पे भी नहीं आएगा वो? तो नहीं आएगा लो तो कोई बात नहीं है, अब समय बताएगा
तो गाइस अभी बहुत ही ज्यादा एक और बात है, बोला जाता है, क्या ये बात सत्य है क्या, कि जब भी लड़की आती है अपना भाग्य लेके आती है? लड़की बहुत लोगों को चार पांच बेटी होती है तो सब भाग्य कर्म लेके आती है अपना, और जैसे जैसे बड़ी होती है अपना सब कुछ हो जाता है। लड़का लोग का भी है तो वो लोग भी अपना नसीब लेके आता है। तो सबसे तो होता है कि लड़की जो होती है वो लक्ष्मी होती है, और ये लक्ष्मी जी जहाँ जिस घर में जाती हैं उस घर का रोशन करती हैं। और ये भी कहा जाता है, कोई कोई लोग जो है लड़की, बोला जाता है कि लड़की आती है क्योंकि बहुत लोग उसको खत्म कर देते हैं। और कुछ लोग हैं समाज में कि बेटी अगर रहती है तो उसको नहीं चाहता है लोग धरती पर आए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि हम लोग भी औरत हैं, हम लोग भी एक माँ हैं, एक लड़की हैं, तो हर औरत सोचेगी कि हमारे पेट से एक बेटी ज़रूर हो, इसलिए कि अपना रूप देखने के लिए। एक माँ का दूसरा रूप होती है बेटी, और बेटी का दूसरा रूप होती है माँ, तो ये ज़रूरी होता है। आज हम इतना खुश हैं कि हमसे पूजा हुई, और पूजा से ये हमारी छटकी हुई है, लाडू हुई, तो ये तब ज़्यादा प्यार मत कीजिए, इसीलिए कहा जाता है जुड़ा है बढ़ते जाए आगे, इसीलिए कहा जाता है कि जिससे ज़्यादा प्यार करो उतना ही ज़्यादा दर्द मिलता है। लड़नी तो अब चले जाएगी, बाय बाय लड्डू, बाय बाय। देखिए कितना अच्छे से अभी मस्त नानी के पास सोई है, और यहाँ पे खूब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी मम्मी, और अब सोच रही है कि कैसे क्या होगा। नहीं 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 तो अब आप इसको सबसे ज़्यादा हमको डर है इसको, पर इस बार हमको ये नहीं समझ में आया, जब लड्डू हुआ था तो आपका कान में करा कि दीदी का, मेरा आपका कान का लेके गया, लेकिन इस बार किन्नर नहीं आया, किन्नर लोग आया था तो ले गया था, आएगा लोग पता नहीं चला है, ठीक है। तो किन्नर लोग जो है ना वो बहुत, लेकिन कितने लोग होता है ना लड़की, लगता है लड़की होता है तो आना चाहिए, लड़की होती है ना तो नहीं आता है लोग, वो बोल के गए थे उस टाइम में, वो लोग नाचे थे, लोग साड़ी बड़ी ले गए थे, तो बोले फिर बहुत जल्दी आएंगे, बात करते हैं ना भगवान से। तो गाइस आप लोग बताइए कि आप लोग जैसे ऐसा लग रहा है मम्मी कि अभी कुछ दिन पहले ही भैया और भाभी भी गए थे तो भी अभी इमोशनल हो गए, और कब जाना है तो आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोगों को यहाँ से निकलना है 22 को, तो देखते हैं कि अभी क्या होता है, और आई होप जो है भगवान अच्छा ही लिखे होंगे। और मम्मी मुझे, मेरे को फिर से अब मम्मी को हैप्पी करना है, तो अब देखते हैं। अब क्या होता है ना कि अकेले रहते हैं तो बहुत रोना आता है हमको, एकदम कुछ अच्छा नहीं लगता है, घर में काम कर लो, थोड़ा सा वीडियो वीडियो का काम होता है कर लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन स्कूल में अगर जाना है तो स्कूल में जाओ, नहीं जाना है तो पूरा दिन इधर उधर बैठ के सो के कट जाता है, और अच्छा नहीं लगता है, सब सुना सुना घर लगता है। तो बार तो थोड़ा सा गुंजा है मेरे पास, तो कमी नहीं खोलेगा, लेकिन इसी को आवाज़ देते रहता है, गुंजा गुंजा इधर गुंजा बैठो, तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन चलिए तब तक शादी ब्याह हो जाएगा, उसके बाद एक और आ जाएगी घर में। तो चलिए गाइस वीडियो को आप लोग बताइए कि आप लोगों को डिसीजन क्या है, क्या जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए क्योंकि मम्मी का जो है एक यही है जो कि ये लड्डू जो है वो तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देता है। लड्डू भी हमको बहुत अच्छा लगता है, पहला बच्चा वो परेशान भी करेगा तो क्या, लड्डू हमको अच्छा देख सकते हैं पूरा ये जो है सारा खराब कर देगा कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में ये शांत होगी, लड्डू थोड़ा चंचल होगा, लड़की लोग शांत रहते हैं बस। तो अच्छा है, कहा गया है कि जिसके घर में तो ये भी बहुत करेगी, जो जिसके घर में बाल बच्चा रहता है, बच्चा रहता है, उसका घर गंदा होता है, जिसके जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप लोग अमित किटो भाई को, बाप रे किटो अभी सफाई बहुत रखती है, सफाई का तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लेकिन जैसे वो चलने लगेगा ना बाबू, सब उनका गुलदस्ता वगैरह फूल वूल सब फाड़ फुकाड़ के फेंक देगा। और गाइस आप लोगों को हम बता दें कि बहुत जल्द जो है हम लोग हो सकते हैं कि आप लोगों को एक नया ब्लॉग देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट जो कि होगा आप लोगों को मैं इसको क्या गिफ्ट देने वाला हूँ। अब तो जाने का दिन भी आ गया है, तो अभी तक गिफ्ट हम दिए नहीं हैं,
तो देखते हैं हम क्या देते हैं, थोड़ा बजट गड़बड़ाया हुआ है। चलिए गाइस वीडियो को लेके चलते हैं आगे। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसके लिए जरूर लाइक कीजिए। चलो मामा को आशीर्वाद दो कि और आगे बढ़ जाए। बोल रही है कि सोने दीजिए ना यार। गाइस जाते जाते आप लोग एक चीज़ दिखा देते हैं जो कि बचपन में लोग जरूर पहन लेते हैं, दोनों सिमिलर होता है चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये लड्डू का चट्टा देखिए आप लोग, ये पहन लीजिए लड्डू का चट्टा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए सेम की तरह। बाय बाय बाय।